हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 8, जिसका नाम है प्रतिष्ठा। तो चलिए, इसका आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियो और बना रखा है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है, राम के पास 2500 रुपये था, उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया, उसने कितने रुपए खर्च किए। अब समझिए, एक लड़का है राम, जिसके पास कितना है, 2500 रुपया। ठीक है, अब उसी का वो 40% क्या कर देता है, खर्च कर दिया। ठीक है, अब पूछ रहा है बताओ कि हम कितने पैसा खर्च किए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले समझना है कि जो राम के पास जो 2500 रुपया था वो अपने आप में था कितना प्रतिशत, 100%। ठीक है, अब जिसमें से वो खर्च कितना है, क्या 40%। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन को। तो बोल रहा है इसके पास 2500 था, अब ये खर्च किया कितना प्रतिशत, 40%, तो कितना किया। तो हम सबसे पहले समझ लेंगे क्या, यहां से समझ लीजिए, राम के द्वारा खर्च किया गया राशि कितना है, 2500 था इसके पास, अब इसी का ये करता है कितना, 40%। बोले तो 40/100। ठीक है, अब यहां से कीजिए 1 0 1 0, फिर यहां से 1 0 1 0, अब गुना कीजिए, कितना है 25 गुना ये 4, कितना हो जाएगा 25 चौके 100, और ये 1 0 आपका बच गया था कितना, अर्थात ये 1000 रुपया क्या किया था दोस्तों, खर्च किया था। अगर आपको यहीं से क्वेश्चन पूछ देता कि वो कितना रुपया बचाया था, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे जो भी हम 40% निकाले उसको हम क्या कर देते, 60% निकाल देते हैं। या तो फिर आप ऐसे भी करते थे, तो मतलब कर सकते थे, ये जो आपका संपूर्ण राशि कितना था, 2500 रुपये था, अब 2500 में से ही आप क्या कर देते दोस्तों, ये खर्च को अगर हम घटा देते तो क्या पता चल जाएगा कि वो कितना रुपया बचत किया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्या था, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, सीता 20 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, सीता एक लड़की है जो क्या करती है, 20 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। ठीक है, अब वो कहीं जा रही होगी, पता नहीं कहाँ जा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं, उसने इस दूरी का 80% भाग बस से तय किया। ठीक है, अब वो 20 किलोमीटर जो डिस्टेंस था उसी का 80% की जो दूरी होती है वो किससे तय करती है, बस से। ठीक है, अब बोल रहा है कि यह दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि जो 20 किलोमीटर गई ना उसी का 80% भाग वो किससे तय करती है, बस से। तो लेकिन जो वो बस से तय की, आपको उसी को बताना है कि वो कितना दूरी तय की बस से। चलिए देखते हैं, डरना नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में उड़ाना है। चलिए देखते हैं, अब यहां से आप क्या कीजिए, बोल सकते हैं क्या, सीता द्वारा बस से तय की गई दूरी। अब कितना था, पहले समझ जाइए टोटल वो था कितना, 20 किलोमीटर, अब इसी का क्या की थी, 80%। तो हम बोल सकते हैं का मतलब गुना 80%, बोले तो 80/100। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, करिए, ये 1 0 1 0, यहां से 1 0 1 0, बचा क्या ऊपर, यहां पे 2 और ये 8, 2 8 कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर। अर्थात दोस्तों यहां पे क्या है, जो 16 किलोमीटर की जो दूरी था वो सीता किससे तय की थी, बस से तय की थी। ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक कोई लड़का है जिसका नाम है कैरी। कैरी क्या करता है दोस्तों, 50 मीटर कपड़ा खरीदता है, जिसका 60% अस्कर्ट बनाने में लगाता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि अस्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगा, तो हो सकता है, अब यहां पे देखिए कैरी नाम से आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये हो सकता है लड़की भी हो सकती है या लड़का भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अस्कर्ट बनाना कोई भी बना सकता है, लड़की भी बना सकती है या लड़का भी बना सकता है। ठीक है, तो नाम पे ना जाए, चलिए हम लोग काम पे जाते हैं। ठीक है, चलिए मजे लीजिए और पूरे पढ़िए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वो 50 मीटर कपड़ा खरीदता है, कपड़ा खरीदा कितना 50 मीटर, और इसी का क्या करता है दोस्तों, 60% जो है वो क्या करता है, अस्कर्ट बनाने में लगा देती है, सॉरी ये लड़की है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 60% ये क्या करती है, अस्कर्ट बनाने में लगा देती है। तो ये पूछ रहा है कि अस्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगा, तो क्या करना है, 50 का ही हम लोग निकाल देंगे क्या, 60%, बोले तो 60/100 कीजिए, 1 0 1 0, यहां से 1 0 1 0, 5 6
30, अर्थात आप बोल सकते हो 30 मीटर जो कपड़ा था वो क्या बनाने में लगा, अस्कर्ट बनाने में, ठीक है। तो यहां पे आपको लैंग्वेज देख पा रहे हो कि यहां पे लैंग्वेज हमने कुछ भी नहीं लिखा है, बट इसमें लैंग्वेज उतना आपको लिखना ही नहीं है, सिंपल लिख देना है कैरी द्वारा अस्कर्ट बनाने में लगाया गया कपड़ा, ठीक है, या लगा कपड़ा। तो आपको क्या कर देना है, इतना लिखने के बाद सिंपल इसको आपको सॉल्व कर देना है। ये आपका आ गया क्या 30 मीटर, अब हो गया इसी का आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, एक विद्यालय के वर्ग 7 में कुल 50 विद्यार्थियों में से 40 लड़कियां हैं। एक स्कूल है जिसका क्लास 7 है, ठीक है, उसमें कितना विद्यार्थी है, 50 टोटल विद्यार्थी है, जिसमें से 40 क्या है, लड़कियां हैं। तो बोल रहा है लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बोल रहा है एक कोई स्कूल है जिसमें से टोटल स्टूडेंट कितना है, 50 है, मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं, 50 है। अब 50 में से ये क्या है आपके कुल विद्यार्थी है, ठीक है, जिसमें से कितने हैं 40 क्या है लड़कियां, क्या है 40 लड़कियां। तो आप समझिए जब 50 में 40 लड़की लोग हैं, ठीक है, तो जो बच गए वो 10 क्या होंगे, लड़के ना। तो यहां से हम क्या बोल देंगे, लड़के कितने हो जाएंगे, या तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, लड़कों की संख्या हो जाएगा आपका 10, ठीक ना। तो ही ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 50, समझे। अब बोल रहा है कि लड़कों का प्रतिशत कितना, तो किसी भी चीज का प्रतिशत निकालने के लिए हमको चाहिए उसका पहले भिन्न। तो आप क्लास में से लड़कों का पहले भिन्न ये क्या कर लेंगे, हम लोग पता कर लेंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या, लड़कों का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, तो लड़का है कितना 10, कितना में से 50 में से, ये हो गया आपका 10/50 क्या है लड़का लोग है, ठीक है। अब इसी को आपको बदलना है प्रतिशत में, तो क्या कीजिए 100 से कीजिए गुना, यहाँ 1 0 1 0, ठीक है, यहाँ से 5 1 5, 5 2 10, ये 10 2 कितना हो गया 20%, अर्थात ये जो आपका क्लास 7 था उसमें 20% क्या है लड़का लोग है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।